बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों को अपना एक्सपीरियंस बताऊंगी मेबिलिन फिट मी फ्रेश टेंट के साथ। हुआ कुछ यूं था कि मेरी जो बीबी क्रीम थी मेबिलिन की, वो खत्म हो गई थी और इसका इसकी कवरेज भी बहुत अच्छी है। 2 नंबर शेड यानी कि नेचुरल शेड में यूज करती हूँ इसका। और सेकेंडली ये कि इसके अंदर जो है वो SPF 50 है, विच मीन्स के मुझे इसके बाद इससे पहले सन ब्लॉक भी नहीं यूज करना पड़ता, यही काफी होती है। तो एक चीज, इसकी कवरेज भी अच्छी हो, मुझे बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी लगानी पड़ती थी, और ये कि इससे मेरा काफी स्किन पे भी कोई इम्पैक्ट नहीं आया था, क्योंकि पीछे ऐसी बहुत सारी बीबी क्रीम्स यूज की हैं जिसकी वजह से मेरी जो है वो फेस पे दाने हो गए थे। तो इसका साथ मेरा बहुत बेस्ट एक्सपीरियंस रहा था, लेकिन फिर ये शॉर्ट हो गई मार्केट में, कहीं से भी नहीं मिल रही थी। इनफैक्ट मैं तो ये अभी भी कोशिश कर रही हूँ कि अगर मुझे कहीं बाहर से मिल जाए, लेकिन बहरहाल तो फिर जब बहुत ज्यादा मार्केट छानी तो एक और चीज मुझे मिली, और वो था मेबिलिन का फ्रेश टेंट। मेबिलिन फिट मी फ्रेश टेंट है, और इसका भी मैंने 2nd नंबर शेड यानी कि नेचुरल शेड यूज किया। मेरा तो इसके साथ जो एक्सपीरियंस रहा है वो मैं आपको साथ साथ बताऊंगी, और यहाँ पे भी आपको जो है वो करके यूज करके दिखाऊंगी कि मेरा इसके साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा। पहले तो ये कि इसके अंदर भी SPF 50 है, यानी मुझे इससे पहले सनब्लॉक नहीं यूज करना पड़ेगा। और सेकेंडली इसमें एक चीज जो है वो है ये विटामिन सी यूज हो रहा है, जो कि मुझे बहुत ज्यादा सूट नहीं करता। मैंने मोस्टली नोट किया कि अगर मैं विटामिन सी वाली कोई भी प्रोडक्ट यूज करती हूँ तो मुझे जो है वो हल्के हल्के जो है वो पिंपल्स होना शुरू हो जाते हैं। तो आई एम नॉट श्योर कि ये उस लिहाज से मुझे सूट करेगा यानी, लेकिन फिर भी मैं आपको ओवरऑल एक रिव्यू दे देती हूँ इसका। क्वालिटीज लिखी हैं उसमें, इट इज वेरी क्लियरली मेंशन कि इसकी नेचुरल कवरेज है, बहुत थिक कवरेज नहीं है, स्किन ब्रीदेबल रहती है, सारा दिन बहुत अच्छा रहता है, और ओवर टाइम जो है वो आपके डार्क स्पॉट्स भी इससे कम होते हैं। लेकिन क्योंकि मैं डेली यूज नहीं करती, लाइक कुछ दिनों में यूज करती हूँ, तो आई कांट से कि उस तरह का स्पॉट्स वाला मेरे फेस पे या स्किन पे इम्पैक्ट आता है या नहीं आता, इसका मुझे कोई आइडिया नहीं है। और इसके अलावा ये है कि कंफर्टेबल एंड ब्रीदेबल है, ऑब्वियसली बिकॉज इसमें इतनी थिक कवरेज ही नहीं है, तो वो उस तरह का कोई मसला नहीं होता। इसको यूज करने का तरीका ये है कि पहले आपने इसको अच्छी तरह से जो है वो शेक कर लेना है, ठीक है, और उसके बाद ये इस तरह से खुलती है, और ये मैं अप्लाई करूंगी हाथ के पैक पे। ठीक है, ये मैं इतनी ले रही हूँ, वैसे मैं इससे भी कम लेती हूँ, तो आई डोंट नो कि ये इनफ होगी या नहीं होगी। ठीक है, तो मैं कोई बहुत शशके यूज नहीं करती, लाइक पफ एंड ऑल दैट, मैं बस हाथ से ही ये अप्लाई कर लेती हूँ, स्प्रेड कर लेती हूँ। एक दफा स्किन पे अप्लाई करने के बाद ना मैं इसको फिंगर से ही स्प्रेड कर लेती हूँ। अच्छा, इसको अप्लाई करने के बाद एक्चुअली जो है मुझे कवरेज इतनी भी बुरी नहीं लगी। हाँ, मुझे थोड़ी सी क्वांटिटी जरूर ज्यादा लेनी पड़ी है, लेकिन कवरेज इतनी बुरी नहीं है, ठीक है। और मेरे हिसाब से तो डार्क स्पॉट, ये डार्क सर्कल्स जो हैं वो भी काफी हद तक कवर हुए हैं, लेकिन मैं फिर भी जो है वो हल्का सा कंसीलर यूज करूंगी अपने जो है अंडर आईज, और इसके अलावा जो है मैं एक टिंट यूज करती हूँ एज अ ब्लशर, तो वो करके तो देखते हैं कि फाइनली ये किस तरह से इम्पैक्ट आता है इसका। एस्थेटिक्स का जो है वो टेंट है, फ्लैश टेंट, और ये मैं यूज करूंगी। टेंट यूज करने का एक्चुअली मकसद ये होता है कि बहुत सॉफ्ट सी लुक देता है, मुझे बहुत ज्यादा डार्क ब्लशर और डार्क मेकअप, क्योंकि आप रूटीन में तो डार्क मेकअप नहीं करते अनलेस आपने किसी ऐसे फंक्शन में जाना हो या किसी शादी में जाना, तो मुझे इस तरह से ये बिल्कुल सही लगता है। और बाकी का जो है मैं फाइनल लुक आपको दिखाती हूँ। सो दिस इज द फाइनल लुक, ठीक है, और मैंने फेस पे कंसीलर अप्लाई किया था फॉलोड बाय अ कॉम्पैक्ट पाउडर, और इसके अलावा बहुत लाइट ब्राउन सा आई शेड अप्लाई किया। इसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं किया, लिपस्टिक भी आप देख सकते हैं लाइट शेड की है,
और बस ये डेली वेयर के लिए ना बिल्कुल मुझे ये वाला मेकअप सही लगता है। तो हाँ, यहाँ पे मैंने स्लाइड सा जो है ना, वो जो आई शेड था वो सी की मैंने जो है वो यहाँ पे भी अप्लाई कर दिया है। ठीक है, अंडर अंडर आईज तो नहीं, लिड्स पे मैंने अप्लाई कर दिया है। ठीक है, तो दिस इज माई फाइनल लुक, होपफुली आपको अच्छा लगा होगा। और मैं आपको बता दूं कि फिटमी का मतलब मेरा एक्सपीरियंस विद टेंट भी काफी अच्छा रहा है, लेकिन मैं अभी भी कहूंगी कि बीबी क्रीम की कवरेज इससे बेहतर थी। वो मुझे थोड़ी क्वांटिटी लगानी पड़ती थी, ये थोड़ी सी ज्यादा लगानी पड़ती है। और एक वो जो विटामिन सी वाला इशू है वो मुझे है कि हो सकता है मेरे लिए प्रॉब्लमेटिक हो, लेकिन जिनको विटामिन सी सूट करती है उनके लिए परफेक्ट है। लेकिन इस विटामिन सी का फायदा ये होगा कि जो जिनके भी डार्क स्पॉट्स वगैरह होते हैं ना, वो धीरे धीरे कम हो जाएंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन जरूर क्लिक कीजिएगा, और अगर आप टिकटॉक पे देख रहे हैं तो फॉलो जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।